हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है माफी के पैचक जब ब्रेकअप शो में। आज के दिन आपको आ चुका होगा काफी ज्यादा मजा अगर आप लोगों ने हमारी कल की वीडियो को देखा होगा। लेकिन हम उससे पहले अगर आज के दिन FIA ODI डाटा चेकआउट करते तो FIA ने आज 317 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर DI ने 730 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इसी के साथ साथ कल होने वाली विनेस IT सर्विसेज IPO की लास्ट डेट। तो अगर हम बात करते हैं इसकी सब्सक्रिप्शन की, अगर मुझे कल इसमें HNI कैटेगरी में 150x और क्वालिफाइड में मिनिमम 75x तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है, तभी जाकर मैं इसे बीइंग एन अग्रेसिव होकर अप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं इस IPO को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। एक तो यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट ऑलरेडी अच्छे IPO आ रहे हैं, वहां पर भी ब्लॉक हो रही है, ये IPO भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि SME IPO थोड़ा रिस्की हो जाते हैं, तो उस बेस पर अगर हम देखते हैं तो सब्सक्रिप्शन भी हमें अच्छी खासी चाहिए, तो उसी बेस पर मैं इस IPO को अप्लाई करने का प्रोग्राम करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ कल होने वाली है इनोवेटर्स एंटरटेनमेंट नेटवर्क SME IPO की लिस्टिंग। पर्सनली मैंने इस IPO को भी अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अगर ये IPO मेरे पास होता तो खुलते ही मैं इस IPO को एग्जिट करने का प्रोग्राम कर देता। वहां पर इन IPO में स्टार्टिंग हो जाती है लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगने की, और अगर बाय चांस अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर बाय चांस लोअर सर्किट लगा तो वहां पर हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो उस चीज को देखते हुए मैं वहां पर इस IPO को एग्जिट कर जाता, लेकिन ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग प्रोस्पेक्टिव डिस्कस करी है। एक बार आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही कोई काम कीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास होने वाला है SBI बैंक। इसकी इंपोर्टेंस पर निकल कर आती है 588 के पास, जहां पर इसकी 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। ब्रेकआउट का लेवल था 610 का, जहां से इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, फिर वहां पर हमें थोड़ा सा मार्केट में दिक्कत होने की वजह से इसमें भी हमें इंपोर्टेंट सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कल इसके आने वाले हैं रिजल्ट्स, तो उसके बेस पर हमारा स्टॉप लॉस काफी ज्यादा छोटा होना चाहिए, बिकॉज अगर सपोर्ट टूटती है तो हमें नीचे की साइड की भी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मेजर सपोर्ट इसमें भी हमें मिलेगी 574 की, जो इसकी 200 की मूविंग एवरेज होने वाली है। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है TVS मोटर। इस स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। इसमें इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है 1330 से 1350 का, जहां पर ये हमारे लिए नोटिस में रह सकता है। ब्रेकआउट 1390 के ऊपर हमें इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन जहां पर हमने जितने भी स्टॉक डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी परस्पेक्टिव होने वाले हैं, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, उससे पहले अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जो आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं जो हमारी कल के दिन बात हुई थी, ये हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब मार्केट खुलती है हमारी सपोर्ट के पास, जो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट थी वहां पे मौका मिलता है और हमें इमीडिएट एक मूवमेंट मिल चुकी थी, हमारा काम हो चुका है स्टार्टिंग के 5 मिनट में। उसके बाद ये हमारे रेजिस्टेंस के पास आ चुकी थी, जहां पर हमारी होती है एंट्री पुट में, और फिर वहां से हमें फिर से एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी। अब ये हमारे पास सपोर्ट थी, लेकिन अब की बार ये वीक सपोर्ट का काम करने वाली थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमने वहां पर एंट्री नहीं भी बनाई है, जैसे CE में एंट्री बना ली है, तो यहाँ पर आपको 15 मिनट की एक कैंडल मिल चुकी थी, जो आपके साथ बात हो जाएगी। अगर इसके नीचे 15 मिनट भी सस्टेन कर गया तो हमें नीचे की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये 15 मिनट की कैंडल हमें यहाँ पर मिल चुकी थी पूरी की पूरी, और वहां से फिर हमें मौका मिलता है पुट में दोबारा से एंटर होने का, और सीधा खींच के ले गया था नीचे। अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े होंगे तो आपको सुबह ही मैसेज चला गया था कि 19300 हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाली है आज के लिए, और वहां पर हमें इमीडिएट इसने हमारी सपोर्ट पकड़ी और वहां से हमें इमीडिएट बाउंस आ गया। मतलब कि पूरा दिन हमें एक अच्छी मूव मिलती रही है, और स्पेशली कहा भी था कि अगर हमें बहती गंगा में हाथ धोना हो, जिस भी साइड गंगा बह रही हो, तो वो हमारे लिए एक अच्छा दिन हो जाता है जहां पर हम बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहां पर काफी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर हम कल के लिए बात करते हैं तो देखो, इमीडिएट अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा दिन हमारे पास बैक टू बैक दूसरा दिन यहाँ पर हमें अच्छी मूवमेंट मिली है, हमारा अच्छा काम हो चुका है। अगर हम कल के दिन काम नहीं भी करते तो इट्स ओके, अगर काम करना भी तो बहुत लो क्वांटिटी के साथ। पर्सनली मैंने को अगर लेवल्स आते तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ ही काम करूंगा, अदरवाइज मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर हम लेवल्स की बात कर लेते तो 19,300 हमारे पास इमीडिएट लेवल होने वाला है,
जो एक हमारे पास मेजर स्पोर्ट का काम करने वाली है कल के लिए भी। और उसी के साथ साथ अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,400 हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर इसके ऊपर जाती है और सस्टेन करती है फिर ही हमें ऊपर की साइड खेलना है, अदरवाइज हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। मेजर रेजिस्टेंस अब हमारे लिए हो जाएगा ये वाला 560 का, जो हमारे लिए काफी ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है और इसके ऊपर ही हमें मार्केट में कोई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। देखो अगर हम मार्केट में स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें इसी के ऊपर देखने को मिलेगी। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तो हमें थोड़ा अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करते हुए छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के साथ ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट अब न्यूट्रल ट्रेंड में आ चुका है। हमें यहाँ पर 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज मिल चुके हैं और अपनी इसने 20 की मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर दिया है, जो हमारे लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। या तो इसे ऊपर की साइड आ जाए आने वाले एक वीक में तो वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा, वरना यहाँ पर हमें थोड़ा कंट्रोल होकर काम करना पड़ेगा। मार्केट अभी भी हमें कमजोरी देखने को नहीं मिली है, मिड कैप स्मॉल कैप में हमें उतनी दिक्कत देखने को मिली ही नहीं है अभी तक, लेकिन ये सारी दिक्कत हुई थी यूएस की वजह से, जो ऑलमोस्ट मार्केट ने डाइजेस्ट कर ली है। अब देखना पड़ेगा कि मार्केट कब इस लेवल को क्रॉस करता है और तब तक हम थोड़ा सा कंट्रोल क्वांटिटी में काम करेंगे। और सैटरडे संडे को अच्छे से मार्केट को रीड आउट करके मैं वहां पर आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों के काफी ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो, वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी जो भी होगी उससे सॉल्व करने की। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।